नमस्कार, यस डेटा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर किरीट सोमया जी ने आज एक वीडियो के जरिए बहुत सारी बातें कहे हैं शिवसेना नेता और प्रताप सरनाईक को लेकर। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक और उनकी विहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने थाना में 2008 में विहान गार्डन सोसाइटी बिल्डिंग बनाई। 2008 में सब फ्लैट बेच दिए, लोग रहने आ गए, लेकिन आज 12 साल के बाद में भी 2020 तक अभी तक उसके B1 और B2 बिल्डिंग जो 13 माले की है उसको अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, 2012 में थाने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ये B1 B2 के ऊपर के सब माले मजले अनधिकृत से तोड़ने का आदेश दिया था। प्रताप सरनाईक ने जो मध्यम वर्गीय होम बायर को घर लेने वालों के साथ में चीटिंग की है, उद्धव ठाकरे साहब उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? ठाणे महापालिका ने 12 साल के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की है, ठाणे महापालिका आयुक्त इसका जवाब देगा क्या? नमस्कार, यस डेटा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे आप सभी को मैं बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर किरीट सोमया जी ने आज एक वीडियो के जरिए कांजू मार्ग को लेकर बहुत सारी बातें कहे हैं। आइए नजर डालते हैं उस वीडियो पे। मेट्रो कार से कांजूर में नहीं हो सकता, उच्च न्यायालय ने स्टे भी दिया। अभी उद्धव ठाकरे मुंबई की जनता की माफी मांगेंगे क्या? मेट्रो कार सेट के कारण 5 साल का विलंब और 5,000 करोड़ रुपए अधिक खर्च हो गए। मुंबई के पालक मंत्री ठाकरे साहब ने त्याग पत्र देना होगा और आरए में पुनः कार सेट का काम शुरू करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जयंत पाटिल ने भी यह स्पष्ट किया है कि यदि हर कोई हर फैसले में राजनीति करना चाहता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। स्टे दिलेला असला तरी त्याची अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी मध्ये होणार आहे आणि कोर्ट ज्यावेळी स्टे देतं त्यावेळी कोर्टाची अपेक्षा असते की ह्याचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत त्यात काही बदल होत नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की आरेच्या भागात जे वन आहे त्या वनाच्या विरोधी असणारी जी लोकं आहेत त्यांना इतक्यात उकळ्या फुटण्याचं काही कारण नाही। मला असं वाटत नाही, कोर्टाचे निर्णय होत असतात, कोर्टाला जे योग्य वाटतं ते महामहिम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर त्याचं राजकीयकरण करण्याची आवश्यकता नाही। सरकारने जी पावलं उचलली त्या संबंधात कोणी कोर्टात गेलं, कोर्टात गेल्यावर कोणी कोर्टात वेगळा निर्णय ऐकला तरी अंतिम निर्णय लागलेला नाही आणि ती जमीन सरकारची आहे किंवा नाही वगैरे असे वेगवेगळे प्रश्न त्यात उपस्थित करण्यात आले। त्यामुळे कोर्टाला अधिक विचार करायला वेळ पाहिजे, त्यात तात्पुरती त्यांनी स्टे दिलेला आहे आणि त्याची चर्चा फेब्रुवारी महिन्यात पुढे ज्यावेळी अंतिम तारीख होईल त्यावेळी त्याची सुनावणी पुन्हा होईल। असं आहे की मुंबईच्या जवळ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वन असणं हे मुंबईकरांच्यासाठी फार भाग्याचं आहे आणि त्या वनातच वेगवेगळे प्रकल्प आपण करायला लागलो तर त्याच्यात पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणात होते। सरकारने ती भूमिका घेतली आणि सरकारने पूर्वी ठरलेलं होतं त्यात काही बदल केले, त्याच्यावर एवढं अकांडतांडव करण्याची गरज नाही। शेवटी उलट वनातल्या सगळ्याच, कारण तिथं नुसतं झाड आहे तसं नाही, तिथं जंगली जनावरं पण तिथं आहेत, म्हणजे वाईल्ड लाईफ आहे आणि वाईल्ड लाईफ असल्यामुळं त्या भागात जेवढं जास्त एरिया प्रोटेक्शन मिळेल, जेवढं बफर एरिया वाढेल तेवढी आवश्यकता वनांच्यासाठी आपल्याला आहे संरक्षणाची। त्यामुळं आधीच त्याच्यावर अतिक्रमण इतकं झालेलं आहे, बाजूला एवढी जमीन तुटत 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 गेली आणि वस्ती आलेली आहे, त्याच्यात आणखीन वाढवू नये असं जर पर्यावरण मंत्र्यांनी भूमिका घेतली असेल तर मला वाटतं पर्यावरणवाद्यांनी त्याचं स्वागत केलेलं आहे। आता काही राजकीय हितासाठी काही लोक
अखंड तांडव करताय आणि प्रत्येकाला प्रत्येक निर्णयात राजकारण करायचं असेल। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दिन पहले एनसीबी ने ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल को दूसरी बार समन भेजा है। आज अर्जुन रामपाल को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से 22 दिसंबर का समय लिए है, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल काम होने के कारण वो आज नहीं आ पाए हैं। और आगे के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए यस्टरडे न्यूज चैनल से। मैं रोशनी दुबे।